दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश यादव एटवेट से डब्ल्यूएस टेक्नोलॉजी से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग ने SMAW प्रोसेस के बारे में पूरा जानकारी लिया। SMAW प्रोसेस क्या होता है, SMAW प्रोसेस का फिनोमिना क्या है, उसमें वेल्डिंग मशीन का पोलैरिटी कौन सा होता है, उसके बारे में हम लोग ने सीखा कि हीटिंग स्पेसिफिकेशंस देगा, वेल्डिंग में रिपेयर क्यों आता है, उसके ऊपर के सॉल्यूशन रेमेडीज क्या है वो हम लोग ने देखा, और बाद में हम लोगों ने प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग, इलेक्ट्रोड बेकिंग, स्टैंडर्ड फैब्रिकेशन प्रैक्टिस वो सब सीखा। अभी हम लोग आज सीखने वाले दोस्तों एक नया वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, जिसको बोलते हैं GMAW, मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अभी जो जनरल इसमें MSME इंडस्ट्री में जो ज़्यादा करके जो काम होते हैं वो ज़्यादा करके गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के साथ में ही होते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका एक CO2 का शील्डिंग के लिए हम लोग गैस CO2 यूज करते हैं, और CO2 के साथ में सॉलिड वायर यूज करके वेल्डिंग करते हैं, और जो प्रोसेस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, GMAW बोलते हैं। दोस्तों तो वेल्डिंग के बारे में आपको मैंने एक इतिहास बताया था कि वेल्डिंग का हिस्ट्री क्या है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूँ। 1890 में पहली बार एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रोड को विदाउट प्लस के इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करके इलेक्ट्रिक पावर सा यूज करके विदाउट कोटिंग वाला भी इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करने का एक नया एक इन्वेंशन किया था, वेल्डिंग प्रोसेस का आविष्कार किया था। उसके बाद में 1910 में अमेरिकन साइंटिस्ट है मिस्टर अलेक्जेंडर, उन्होंने क्या किया था, वही इलेक्ट्रोड को कोटिंग देके वेल्डिंग करने का आविष्कार किया। उसके बाद में जब भी पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तभी क्या होता, बहुत सारी जो बोटें थी वो क्या हुई थी, मेंटेनेंस में गई थी, तो वो टाइम पे वेल्डिंग प्रोडक्शन का डिमांड मार्केट में बढ़ गया था। तो जैसे इलेक्ट्रोड से जब भी वेल्डिंग करते थे तो क्या होता था कि वेल्डिंग करने के लिए बहुत सारा समय जाता था, तो उसके लिए कुछ तो फास्ट प्रोडक्शन मास प्रोडक्टिविटी देने के लिए कुछ ऐसा वेल्डिंग का जरूरत था, उसके लिए सॉलिड वायर से और शील्डिंग के लिए CO2 गैस यूज करके वेल्डिंग करने का एक नया एक प्रोसेस का एक आविष्कार हुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, GMAW प्रोसेस। और GMAW प्रोसेस के वजह से क्या हुआ कि आपका जो वेल्डिंग करते हैं उसका क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, कम से कम 5 से 6 गुना उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। जैसे कि नॉर्मली हम लोग जब भी आर्क वेल्डिंग करते हैं तो अपना 8 घंटे का शिफ्ट का जो प्रोडक्टिविटी है 3-3.5 kg है, लेकिन वही अगर समझो हम लोग अगर GMAW प्रोसेस से अगर वेल्डिंग करते हैं तो वही प्रोडक्टिविटी रेट आपका 12-15 kg तक उसका प्रोडक्टिविटी रेट है, मतलब आपका प्रोडक्टिविटी सीधा 3-4 गुना उसमें क्या होता है, बढ़ता है। तो अभी हम लोग ने देखा था GMAW प्रोसेस मतलब क्या, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, उसमें क्या करते हैं सॉलिड वायर रहता है और शील्डिंग के लिए हम लोग कैसे करते हैं, गैसेस यूज करते हैं, बराबर है। तो जो प्रोसेस रहता है उसको GMAW प्रोसेस बोलते हैं, और उसमें हम लोग क्या रहता है, एक इलेक्ट्रिक पावर सोर्स रहता है, इलेक्ट्रिक पावर सोर्स से 70% जो करंट रहता है वो पॉजिटिव वोल्ट पे, 30% का जो करंट रहता है वो नेगेटिव वोल्ट पे रहता है। पॉजिटिव वोल्ट का कनेक्शन जो रहता है वो वायर फीडर रहता है, वो वायर फीडर को लगाया रहता है, वायर फीडर में स्पूल लगाया रहता है, और वो वायर फीडर में जो स्पूल रहता है उसमें क्या रहता है, एक रोलर के पार्ट्स रहते हैं, रोलर के पार्ट्स में से क्या होता है, जो वायर को क्या करता है वो पुश करने का काम करता है। आगे उसके आगे क्या रहता है, एक वेल्डिंग का टॉर्च रहता है, CO2 टॉर्च रहता है, GMAW का टॉर्च रहता है। जब भी आप उसका जो भी टॉर्च दबाते हैं, टॉर्च का जो ट्रिगर दबाते हैं, वो आपका टॉर्च किस में, वायर फीडर में कनेक्ट रहता है। जब भी आप उसका ट्रिगर दबाते हो टॉर्च का, तभी क्या होता है, उसका सेंसर से, वायर फीडर का सेंसर की वजह से क्या होता है, आपका रोलर घूमना चालू हो जाता है। रोलर जैसे घूमना चालू होता है वैसे क्या करता है वो, एट ए टाइम वायर को भी आगे पुश करता है। वायर जैसे आगे पुश होके आगे जैसे निकलता है, वैसे ही उसमें एक सोलेनोइड वाल्व भी रहता है, सोलेनोइड वाल्व से भी जब भी ट्रिगर दबाते हैं तभी रोलर भी घूमना चालू होता है और गैस का शील्डिंग भी चालू होता है। और वैसे हम लोग का जो क्या पीछे आपका पावर सोर्स रहता है, एक जगह पे 70% करंट पॉजिटिव वोल्ट पे, अर्थिंग पे 30% का करंट रहता है। जैसे ही आपका वायर वापस स्ट्राइक होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आर्क का आर्क जनरेट होता है, और आर्क जनरेट होकर उसके साथ में शील्डिंग भी प्रॉपरली होता है, और वेल्डिंग का क्या फ्यूजन होकर कंटिन्यू प्रोसेस आगे चलते रहता है। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि GMAW प्रोसेस का मैंने आपको हिस्ट्री बताया, उसके मशीन के बारे में आपको शॉर्ट में सब मैंने अभी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। बट इसमें हम लोग जो गैसेस यूज करते हो, कभी कभी एक्टिव गैस भी रहते हैं और इनर्ट गैस भी रहता है,
तो बहुत सारे आदमी लोग को मैग ये वर्ड कभी यूज करना है और मिग वर्ड कभी यूज करना है और FCW टर्म कभी यूज करना है वो मालूम नहीं रहता। तो इसके बारे में आपको मैं जानकारी हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा, पसंद आया रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए कि जिसकी वजह से उनका भी नॉलेज लेवल बढ़ेगा। मैं प्रकाश जरो FCW टेक्नोलॉजी से आपका दिल से धन्यवाद मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।